नई बहू का काला गाउन। बहुत समय पहले की बात है, किसी गांव में सभी लोग हंसी खुशी से रह रहे थे। उसी गांव में एक राकेश नाम का आदमी अपनी 8 साल की बेटी प्रियंका के साथ हंसी खुशी से रह रहा था। राकेश एक बहुत बड़ी MNC कंपनी का मैनेजर था। आए दिन काम के सिलसिले से दिल्ली शहर में आता जाता रहता था, परंतु जब से प्रियंका की मां की मृत्यु हुई, उस दिन के बाद से राकेश को अपनी बेटी प्रियंका की देखभाल में परेशानी होने लगी, क्योंकि उसे आए दिन इमरजेंसी में दिल्ली जाना पड़ता था और अभी उसकी बेटी छोटी थी। ऐसे ही दिन बीत रहे थे और कुछ दिनों बाद रिश्तेदारों के समझाने के बाद राकेश दूसरी शादी के लिए मान गया। और देखते ही देखते एक दिन राकेश ने अपनी बेटी प्रियंका को बिना बताए पायल नाम की औरत के साथ शादी कर ली। राकेश अपनी पत्नी पायल को लेकर अपने घर आता है। अरे मेरी प्यारी बेटी प्रियंका, कहाँ हो? जल्दी बाहर आओ, मैं तुम्हारे लिए तोहफा लेकर आया हूँ। आज तुम ये तोहफा देखकर बहुत खुश हो जाओगी। प्रियंका अपने कमरे में बैठी हुई थी। वो अपने पिताजी की आवाज़ सुनकर अपने कमरे से बाहर आने लगती है। प्रियंका अपने कमरे से बाहर निकलती है तो देखती है कि उसके पिताजी एक औरत के साथ खड़े हैं। बताइए पिताजी, आपने मुझे बुलाया था, आपको कुछ काम है क्या? अरे नहीं नहीं मेरी प्यारी बेटी, मुझे तुमसे कोई भी काम नहीं है। जरा देखो तो, आज मैं तुम्हारे लिए तुम्हारे नई माँ लेकर आया हूँ। आज से ये हमारे साथ ही रहेंगी और तुम इनके साथ खूब खेल भी सकती हो। आज के बाद तुम्हें कोई भी परेशानी नहीं होगी। अरे प्रियंका बेटी, जरा मेरे पास तो आओ। देखो आज से मैं तुम्हारी नई माँ हूँ और आज से हम दोनों एक साथ बहुत सारे खेल खेलेंगे और मैं तुम्हारे स्कूल का होमवर्क कराने में सहायता भी करूँगी। प्रियंका अपनी सौतेली माँ के मुँह से ये सुनकर खुश हो जाती है। इसलिए थोड़ी देर बाद पायल सभी के लिए खाना बनाने किचन में गई। पायल किचन में खाना बनाने लगती है। वो बहुत ही तेज और स्वार्थी महिला थी। पायल प्रियंका को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी और सूरज के सामने प्रियंका से प्यार करने का नाटक कर रही थी। मैंने राकेश जी से उनकी जमीन जायदाद के लालच में आकर शादी तो कर ली, परंतु मुझे क्या पता था कि उनके इस घर में उनकी एक बेटी प्रियंका भी रहती है। खैर छोड़ो, कोई बात नहीं, राकेश जी के दिल्ली जाते ही मैं इसको ठीक कर दूंगी। इस तरह थोड़ी देर बाद पायल सबके लिए खाना बनाकर तैयार कर देती है। उस दिन सभी ने हंसी खुशी से एक साथ बैठकर खाना खाया। इसी तरह दिन बीत रहे थे। एक दिन अचानक राकेश के ऑफिस से कुछ काम आया। उस दिन राकेश इमरजेंसी में दिल्ली चला गया और अब पायल और प्रियंका ही घर पर रह गए थे। ऐसे ही दिन बीत रहे थे और एक दिन प्रियंका अपनी माँ की तस्वीर के आगे हाथ जोड़कर खड़ी थी और अपनी माँ को याद कर रही थी। तभी दूसरी तरफ पायल ने अपनी सहेलियों को घर पर बुलाया था। पायल अपनी सहेलियों के साथ एक साथ किचन में स्वादिष्ट स्वादिष्ट खाना बना रही थी कि तभी उनकी एक डिश जल जाती है, जिसके कारण पूरे घर में धुआं हो जाता है। तभी प्रियंका किचन में देखने आती है कि किचन में क्या हो रहा है, जिसके कारण पूरे घर में धुआं हो रखा है। माँ आप क्या बना रही हो जो पूरे घर में धुआं कर रखा है? मुझे तो लगता है कि किसी चीज के जलने की बदबू आ रही है। मैं अपनी माँ की तस्वीर से बातें कर रही थी, तभी मुझे कुछ जलने की बदबू आई। माँ जब आपको कुछ बनाना नहीं आता तो आप क्यों बना रही हो? चुप कर मनोज, कहेगी ये मेरा भी घर है और तू मुझे ज्यादा ज्ञान मत दे, नहीं तो अगर मुझे गुस्सा आ गया ना तो तेरे लिए बहुत भारी पड़ जाएगा। तभी पायल की एक दोस्त पायल से कहती है, पायल हम तुम्हारे घर पर इतनी दूर से आए हैं, क्या तुम हमें कुछ ठंडा भी नहीं पिलाओगी? मुझे बहुत तेज प्यास लग रही है, जल्दी से मेरे लिए कुछ अच्छा सा मंगवा दो, नहीं तो मैं खड़े खड़े बेहोश हो जाऊंगी। अरे हाँ हाँ क्यों नहीं मेरी प्यारी सहेली, मैं अभी तेरे लिए कुछ ठंडा मंगवा देती हूँ, जिससे तेरे शरीर को ठंडक मिल जाएगी। एक अलमोही लड़की प्रियंका, जल्दी से जाकर आंटी के लिए कोल्ड ड्रिंक लेकर आ, मेरी सहेली को प्यास लग रही है। माँ आप मुझसे कैसे बातें कर रही हो? पिताजी के सामने तो आपकी जुबान नहीं चलती
और अब पिताजी के पीछे आप मुझसे उल्टा सीधा क्यों बोल रही हो? और भला मैं कोल्ड ड्रिंक लेकर क्यों आऊँ? अरे पायल, तेरी सौतेली बेटी की तो बहुत जवान चलती है, देखो तो कैसे बात कर रही है। चल हम सभी मिलकर इसकी अकल ठिकाने लगा देते हैं। इसके बाद पायल अपने सभी सहेलियों के साथ मिलकर प्रियंका को बहुत मारती है और मारते मारते प्रियंका की हालत खराब कर देती है। इस तरह पायल ने प्रियंका को बहुत देर तक मारा और उसके बाद प्रियंका को काम करने के लिए भेज दिया। तभी गांव की एक औरत खिड़की से ये सब देख लेती है। इसके बाद वो औरत प्रियंका के घर में आती है और पायल से कहती है, अरे ओ कठोर दिल की औरत, तुझे उस मासूम को मारने में बिल्कुल दया नहीं आई? एक तो उस बेचारी की माँ नहीं है और ऊपर से तो उस पर इतना अत्याचार करती है। देखो मेरा पहले से ही दिमाग बहुत खराब है और अब तुम मेरा दिमाग खराब मत करो, चुपचाप से यहाँ से चली जाओ और अपने काम से मतलब रखो। इस तरह उनकी बहुत देर तक बहस हुई और आखिर में पायल ने उस औरत को भगा दिया। पायल ने प्रियंका का जीना हराम कर दिया था। इस तरह पूरा दिन एंजॉय करने के बाद पायल की सभी सहेलियां चली गई। इसी तरह से कुछ दिन बीत गए और एक दिन प्रियंका अपने कमरे में झाड़ू लगा रही थी, तभी पायल वहां आती है और कहती है, ए कलमुई, मुझे लगता है कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। जब तक मैं तेरी पिटाई ना करूं तब तक तुझसे कोई भी काम अच्छे से नहीं होता। कितनी बार मैंने तुझे कहा है कि तू इस घर की नौकरानी है और तू इस कमरे में नहीं बल्कि बाहर हॉल में सोएगी, परंतु तू है कि मेरी बात मानती नहीं है। परंतु माँ, मैं इस कमरे में सोने नहीं आई थी बल्कि झाड़ू लगाने आई थी, और आप मुझे इस घर की नौकरानी क्यों बोल रही हो? ये मेरे पिताजी का घर है। ए कलमुही, मुझसे जुबान लड़ाने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? रुक, मैं अभी तुझे ठीक कर देती हूँ। इस तरह पायल अपनी सौतेली बेटी प्रियंका को मारने लगती है और फिर एक बार पायल प्रियंका को मारते मारते उसकी आधी जान निकाल देती है और थोड़ी देर बाद वहां से चली जाती है। प्रियंका अपनी सौतेली माँ के अत्याचारों से तंग आ गई थी और अब आत्महत्या करने की सोचती है। प्रियंका अपनी माँ की तस्वीर से कहती है, हे मेरी प्यारी माँ, तुम मुझे छोड़कर क्यों चली गई? मेरी सौतेली माँ मुझ पर बहुत अत्याचार करती है और मुझसे पूरे घर का काम करवाती है। मैं तंग आ गई हूँ, मैं आज ही नदी के किनारे पास वाले खाई से कूदकर जान दे दूंगी। इस तरह प्रियंका रोते रोते अपनी माँ की तस्वीर के सामने अपने सारे दुख बोल देती है। तभी प्रियंका की माँ की तस्वीर से एक बहुत तेज रोशनी निकलती है और देखते ही देखते प्रियंका के सामने उसकी माँ की आत्मा प्रकट हो जाती है और प्रियंका से कहती है, मेरी प्यारी बेटी शांत हो जाओ, तुमने बहुत दुख तकलीफ झेल लिए हैं, अब मैं तुम्हें और परेशान नहीं होने दूंगी। अब मैं तुम्हारे सौतेली माँ को सजा दूंगी। अब जब जब तुम्हारी सौतेली माँ तुम्हें मारेगी तो मैं उसे भी रुलाऊंगी। ये लो, ये एक जादुई काला गाउन है, तुम इस गाउन को अपनी सौतेली माँ के कमरे में रख देना। वो जैसे ही इस गाउन को पहनेंगी तो उसे 6 घंटे तक बहुत तेज खुजली होएगी, और अगर वो उसके बाद भी नहीं मानेगी और तुम्हें मारेगी तो उसके आसपास बहुत सारे सांप आ जाएंगे, परंतु तुम उन सांपों से मत डरना क्योंकि वो तुम्हें कुछ नहीं करेंगे। इतना कहकर प्रियंका की माँ वहाँ से गायब हो जाती है। इसके बाद प्रियंका बिना देरी करे वो गाउन अपने सौतेली माँ के कमरे में रख देती है। प्रियंका वहाँ से दबे पांव निकल जाती है। थोड़ी देर बाद प्रियंका की सौतेली माँ पायल अपने कमरे में आती है। वो देखती है कि उसी कमरे में बहुत सुंदर काला गाउन रखा हुआ है। वो गाउन दिखने में इतना सुंदर लग रहा था कि पायल बिना कुछ सोचे समझे उसे पहन लेती है। तभी पायल को बहुत तेज खुजली होने लगती है। पायल को कुछ समझ नहीं आता, परंतु अब वो खुजली करने में लगी हुई थी। इसी तरह 6 घंटे तक पायल खुजली करती रहती है और 6 घंटे बाद पायल को खुजली होना बंद हो जाता है। आज लगातार 6 घंटे तक खुजली होने के कारण पायल को बहुत तेज गुस्सा आ रहा था। इसके बाद पायल अपना गुस्सा निकालने के लिए सौतेली बेटी प्रियंका के पास जाती है। पायल जैसे ही प्रियंका को मारने के लिए आगे बढ़ती है,
कि तभी उसके आसपास बहुत सारे सांप आ जाते हैं। पायल अपने सामने इतने सारे सांप देखकर घबरा जाती है। तभी वहां पर प्रियंका की माँ की आत्मा प्रकट हो जाती है। पायल अपने सामने एक आत्मा को देखकर घबरा जाती है। ए मनहूस औरत, बहुत हो गया, अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। जब से तू इस घर में आई है तब से मेरी बेटी की जिंदगी खराब हो गई है। ये जो काला गाउन तूने पहन रखा है ये मेरा जादुई गाउन है और अब मैं तुझे जिंदा नहीं रहने दूंगी। पायल प्रियंका की माँ के मुँह से ये सुनकर घबरा जाती है और वहीं खड़े खड़े अपने बुरे बर्ताव के लिए माफी मांगने लगती है। परंतु प्रियंका की माँ पायल को बिल्कुल भी माफ नहीं करती। तभी प्रियंका को अपनी सौतेली माँ पर दया आ जाती है और वो उन्हें माफ करने के लिए कहती है। प्रियंका की माँ पायल को माफ कर देती है और वहाँ से सारे सांप गायब कर देती है और थोड़ी देर बाद खुद भी वहाँ से गायब हो जाती है। इस तरह उस दिन के बाद पायल प्रियंका पर बिल्कुल भी अत्याचार नहीं करती है और उसका एक सगी बेटी की तरह ध्यान रखती है। बहुत समय पहले की बात है, किसी गांव में सभी लोग हंसी खुशी से रह रहे थे। उस गांव में एक विनीता नाम की औरत अपनी दो बेटियां मुस्कान और आनंदी के साथ रहती थी। विनीता बहुत गरीब थी। वो अपने घर का खर्चा चलाने के लिए दूसरों के घर में झाड़ू पोछा करती थी और उसे जो भी पैसे मिलते थे उसी में अपने घर का खर्चा चलाती थी। ऐसे ही दिन बीत रहे थे और एक दिन विनीता काम करके घर की ओर जा रही थी कि तभी अचानक से बहुत तेज बारिश शुरू हो जाती है। बहुत तेज बारिश होने के कारण विनीता जल्दी जल्दी अपने घर की ओर आने लगती है। थोड़ी देर बाद विनीता घर पहुंच जाती है और खिड़की से बारिश देखने लगती है। हे भगवान, बारिश तो बहुत तेज हो रही है और अब तो घर की छत भी टपक रही है। अब मैं बच्चों के लिए खाना कैसे बनाऊं? खाना बनाने के लिए जो लकड़ियाँ रखी थी वो भी गीली हो गई है। इतना सोचकर विनीता बारिश के बंद होने की मनोकामना करने लगती है, परंतु बारिश बंद नहीं होती और धीरे धीरे गांव में बाढ़ आने लगती है। साथ ही धीरे धीरे करके विनीता के घर में पानी आने लगता है, जिस वजह से वो अपने बच्चों को बेड पर चढ़ा देती है और नीचे उतरने के लिए मना कर देती है और मन ही मन सोचती है, हे भगवान, प्लीज जल्दी से ये बारिश बंद करवा दो। अगर इसी स्पीड में बारिश होती रही तो गांव को डूबने में ज़्यादा देर नहीं लगेगी और अगर गांव डूब गया तो मैं अपने बच्चों के साथ कहाँ जाऊँगी? मेरे पास तो ये एक टूटी फूटी झोपड़ी ही है। विनीता ये सब सोच रही होती है, परंतु तभी उसकी छोटी बेटी कहती है, माँ बहुत तेज भूख लग रही है, मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया। माँ मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रही थी कि तुम बाहर से कुछ लेकर आओगी और अब तुम काम से आ चुकी हो, इसलिए जल्दी से कुछ खाने के लिए दे दो, मुझे बहुत तेज भूख लग रही है। बस थोड़ी देर सब्र कर, बारिश बंद होते ही मैं तेरे लिए बाहर से कुछ लेकर आ जाऊंगी। घर के बाहर रखी सभी लकड़ियाँ गीली हो चुकी है, इसलिए मैं तेरे लिए खाने के लिए कुछ नहीं बना सकती और बारिश के कारण बाजार भी बंद हो गया है, तो थोड़ी देर सब्र कर, बारिश बंद होती ही मैं कुछ इंतजाम करती हूँ बेटी। इसी तरह पूरी रात बारिश होती रहती है, जिस वजह से गांव डूबने लगता है। बाढ़ आने के कारण सभी लोग अपने दूर के रिश्तेदारों के घर चले जाते हैं, परंतु विनीता का इस दुनिया में उसके बच्चों के अलावा कोई नहीं था, इसलिए वो अपने बच्चों को लेकर पास के गांव में चली जाती है। परंतु उस गांव के लोग विनीता के गांव वालों से नफरत करते थे, इसलिए वो लोग विनीता को वहां नहीं रुकने देते। देखो बहन जी, तुम कोई भी हो, तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम चुपचाप किसी और गांव में चली जाओ, क्योंकि तुम हमारे दुश्मन गांव की रहने वाली हो और हम अपने दुश्मन गांव के किसी भी व्यक्ति को अपने गांव में नहीं रहने देते। बहन जी कृपया करके मुझ पर रहम खाओ, मैं अपने बच्चों को लेकर कहाँ जाऊंगी? तुम मुझे बहन भी बोल रही हो और दुश्मनी भी निभा रही हो, मेरे पास रहने के लिए कोई भी ठिकाना नहीं है, मैं अपने बच्चों को लेकर कहाँ जाऊं? मेरे बच्चे कल से भूखे हैं। देखो वो सब हम नहीं जानते, हमने किसी का ठेका नहीं ले रखा है,
इसलिए तुम चुपचाप यहाँ से निकल जाओ, वरना हम तुम्हें धक्के मारकर गांव से बाहर निकाल देंगे। सभी गांव वालों को गुस्से में देखकर विनीता वहाँ से चुपचाप जाने लगती है। इस तरह विनीता बिना रुके अपने बच्चों के साथ चलती जा रही थी। थोड़ी देर बाद विनीता चलते चलते जंगल के किनारे पहुँच जाती है। उस जंगल से अजीब अजीब जानवरों की आवाज आ रही थी। विनीता की बेटी मुस्कान जानवरों की आवाज़ सुनकर डर जाती है और अपनी माँ से कहती है, माँ ये तो हम जंगल में आ गए हैं और मैंने पढ़ा है कि जंगल में बहुत खतरनाक जंगली जानवर भी रहते हैं, इसलिए मुझे बहुत डर लग रहा है, हमें यहाँ से कहीं और चलना चाहिए। हाँ बेटी, मुझे भी पता है कि हम इस समय जंगल में हैं, परंतु अब हम कहीं नहीं जा सकते हैं क्योंकि हमारे पास इस जंगल के अलावा रहने के लिए कोई भी जगह नहीं है। गांव में बाढ़ आ चुकी है। ये जंगल गांव से थोड़ा ऊंचाई पर है, इसलिए इस जंगल में बाढ़ को आने में थोड़ा समय लगेगा। तब तक हम इसी जंगल में रहते हैं। परंतु माँ, हमारे पास तो सर छुपाने के लिए छत भी नहीं है, ऐसे में हम कहाँ रहेंगे? मुझे तो बहुत डर लग रहा है। नहीं आनंदी बेटा, इसमें डरने की कोई बात नहीं है। तुम्हारी माँ अभी तुम्हारे साथ है और मेरे जिंदा रहते तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी, इसलिए सबसे पहले हमें अपने लिए घर बनाना होगा। मुस्कान, तुम मेरे साथ लकड़ियाँ लेने चलो, हम लकड़ियों से घर बनाएंगे। इस तरह विनीता मुस्कान को लेकर जंगल से सूखी लकड़ियाँ ढूंढने लगती है और वो दोनों चलते चलते थोड़े आगे निकल जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ आनंदी वहीं पर बैठी होती है। तभी आनंदी के पास एक घायल शेर आता है। आनंदी अपने सामने शेर को देखती है तो उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती है। तभी आनंदी की नजर शेर की चोट पर पड़ती है। इसके बाद आनंदी को उस शेर पर दया आ जाती है। आनंदी आसपास से जड़ी बूटियां ढूंढने लगती है। इस तरह थोड़ी देर बाद आनंदी उस शेर को जड़ी बूटियां लगा देती है। आनंदी के जड़ी बूटी लगाते ही वो शेर एक परी में बदल जाता है। आनंदी अपने सामने परी को देखकर हैरान रह जाती है। घबराओ मत मेरी प्यारी बेटी आनंदी, तुम दिल की बहुत अच्छी हो, इसलिए तुम्हें मुझसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। मैं अच्छे लोगों के लिए अच्छे स्वभाव की हूँ और बुरे लोगों के लिए बुरे स्वभाव की हूँ, और तुम एक नेक दिल लड़की हो। तुमने बिना डरे शेर के घाव पर जड़ी बूटियाँ लगाई और अब मैं तुम्हारी सहायता करूंगी। बताओ तुम्हें क्या चाहिए? परी जी, मुझे तो आए दिन परेशानियों का सामना करना पड़ता है, इसलिए अब मुझे आदत हो गई है, परंतु फिर भी अगर आप मेरी सहायता करना चाहती हो तो सबसे पहले मुझे बहुत तेज भूख लग रही है और उसके बाद मुझे और मेरी माँ को रात में सर छुपाने के लिए एक घर चाहिए। आनंदी बस इतनी सी बात? तुम्हारी ये इच्छा तो मैं अभी चुटकी बजाते ही पूरी कर सकती हूँ। ये लो, ये एक जादुई नेकलेस का घर है। ये घर तुम्हारी सभी इच्छाएं पूरी करेगा। तुम इस घर में जीवन भर रह सकती हो। परी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मुझे ये घर देकर मेरी सहायता करी। इसके बाद वो परी वहाँ से गायब हो जाती है। आनंदी को बहुत तेज भूख लग रही थी, वो उस घर के अंदर चली जाती है। वो घर अंदर से बहुत ही आलीशान था। आनंदी सबसे पहले किचन में जाती है। वहाँ पर बहुत स्वादिष्ट स्वादिष्ट पकवान बने हुए थे। आनंदी बिना देरी किए खाने लगती है। वहीं दूसरी तरफ जब आनंदी की माँ विनीता और बहन मुस्कान वहाँ आते हैं तो वो अपने सामने नेकलेस का घर देखकर हैरान रह जाते हैं। इसके बाद वे दोनों आनंदी को इधर उधर देखने लगते हैं, परंतु उन्हें कहीं आनंदी दिखाई नहीं देती। तभी वो दोनों उस घर के अंदर चले जाते हैं। अंदर जाकर वो दोनों देखते हैं कि आनंदी बहुत स्वादिष्ट स्वादिष्ट खाना खा रही है। इसके बाद वो दोनों भी बिना देरी किए खाना खाने लगते हैं और इस तरह खाना खाने के बाद वो सभी नए नए कपड़े पहनकर खुश रहते हैं। कुछ दिनों बाद जंगल में भी तेज वर्षा होने लगती है और तेज वर्षा होने से सभी गांव में बाढ़ आ जाती है। कुछ देर बाद उसी गांव के लोग जंगल में आते हैं जिन्होंने विनीता को अपने गांव से भगाया था। जंगल के बीचों बीच वो घर देखकर सभी लोग उसके पास आते हैं। इसके बाद विनीता भी बाहर आ जाती है। विनीता को अपने सामने देखकर सभी लोग विनीता से मदद मांगते हैं।
परंतु विनीता उनके साथ अच्छा व्यवहार करती है और उन्हें घर में आने के लिए हाँ कह देती है। इसके बाद वो सभी बाढ़ से बचने के लिए उस घर में आ जाते हैं और उसके बाद विनीता उन सभी का अच्छी तरह से ध्यान रखती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें और ऐसी ही नई इंटरेस्टिंग हिंदी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फिर मिलती हूँ आपसे एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।